हे दिस इज अंकित राज, वेलकम टू द YouTube चैनल स्टडी एक्साइटी जी। आज का हमारा टॉपिक है पोल एंड पोलर। ओके, काफी लोग इसे स्किप भी कर देते हैं पढ़ते टाइम भी पढ़ाते टाइम भी, लेकिन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो 12 मिनट का लेक्चर हाँ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक से कंपेरिजन में काफी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 12-15 मिनट इन्वेस्ट कर दो यार। ठीक है, डायग्राम से डरना नहीं है। ओके, डायग्राम बनाने मुझे 15 मिनट लगे हैं, वो तो 15 मिनट में सेफ बोल रहा हूँ। ओके, जो एक्चुअल टाइम हो तो मैं बोल भी नहीं सकता, जानते हो लाइव तुम देखे हो मेरा डायग्राम कितना खराब होता है। खैर स्टार्ट करते हैं। पोल एंड पोलर। पोल क्या है? कोई भी पॉइंट है। ओके, बस वो सेंटर नहीं हो सकता है, बाकी यूनिवर्स का कोई पॉइंट सर्कल के रेस्पेक्ट में पोल हो सकता है। तो देखिए, पोल और पोलर ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, पोलर का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, पोल है तभी पोलर है। पोल एक यूनिवर्स का कोई भी एक पॉइंट है सेंटर के अलावा। क्यों नहीं है सेंटर, ये मैं समझाऊंगा अभी, जब डेफिनेशन बता दूंगा उसके बाद समझा दूंगा, इनफैक्ट आपको खुद भी समझ आ जाएगा। और उसके रेस्पेक्ट में एक लाइन है, यूनिक लाइन, जो कि पोलर है। ओके, तो पोलर तभी है जब पोल है, समझ रहे हो ना। जैसे कोई क्या बोल रहा है कि देखो हम लोग, कोई बोल रहा है कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जब गर्लफ्रेंड होगी तभी वो बॉयफ्रेंड होगा ना, ऐसे अपने आपको बॉयफ्रेंड कहते थोड़ी ना वो घूमेगा। फिर घूमेगा तो उसे बुलाऊंगा इधर, और इधर सिंगल है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ठीक, तो ये बात है, पोलर तभी है जब पॉइंट है। तो क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट है जिसे हम पोल कहेंगे, तो एक्स वन वाई वन एक पॉइंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं अभी, पोल। ओके, तो यहां से हम सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने तीन कॉर्ड ड्रॉ करा है, इनफाइनाइट कॉर्ड जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉर्ड होगा, कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज को हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, और वो पता क्या चला कि वो एक लाइन पे लाइन कर रहे हैं, और यही जो ग्रीन लाइन है ना, इसे ही हम कहते हैं पोलर। समझे, फिर से एक बार समझा दूं। ओके, तो पोल से हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे सर्कल पे। ठीक है, अब जो कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज होगा ना, उस पे हम उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट। ठीक है, कॉर्ड के दो एक्सट्रीमिटीज, दो टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया Q, Q डैश, ऐसे Q डबल डैश, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आएंगे। सबको जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो उनका जो लोकस आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और उसे हम कहते हैं पोलर। ठीक, तो क्वेश्चन जो होता है पोल एंड पोलर में तीन तरह से बनता है। एक कि आपको पोल दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में पोलर का इक्वेशन बताना है, ऑब्वियसली सर्कल मालूम नहीं रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपको पोल दिया हुआ है, पोल है एक्स वन वाई वन, तो पोलर होगा टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, तो पोलर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वहीं पे सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एस प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता, तो क्या होता पोलर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये कुछ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टाइप का नहीं लग रहा है, और एक्चुअली देखो तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का भी तो इक्वेशन है। देख लो, जब कोई भी आउटसाइड पॉइंट पोल बनेगा ना, तो जो पोलर आता है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है। देख लो, जब यहां से, ठीक है डायग्राम यार मेरा बहुत खराब है। ठीक है, तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पोल से, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए तो ये पोलर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है। ठीक है, इसीलिए सेम इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला ही। अब देखो, सर्कल पे जब ये लाई करेगा ना, पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर सकता है। यहां से अब हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ किए, अब टेंजेंट, दो एक्सट्रीमिटीज है, दोनों तरफ से टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये एक्चुअली टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन का ही इक्वेशन आ गया। अब अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है पोल, तो पोलर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, तो फिर से टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, पॉइंट अगर अंदर भी लाई करेगा, ठीक है अंदर भी लाई कर रहा है ना, तब भी क्या होगा, पोलर क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो। ये क्लियर है पोलर का इक्वेशन। अगर पोल है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो पोलर आप निकाल पाएंगे, पोलर क्या हो जाता है, T equals to zero। अब देखिए, जब ये जो पोल है आउटसाइड द सर्कल है, तो
तो पोलर का क्या हो रहा है, दो पॉइंट ऑफ, ये ग्रीन लाइन है यही पोलर है, तो इसका दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद सर्कल बन रहा है। फिर देखिए जब ये सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो इसका एक बस टच करके जा रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद सर्कल, और जब ये अंदर हो जाएगा ना पोल, पोल अंदर हो जाएगा तो इसका नो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो बाहर, पोलर बाहर होगा बिल्कुल। आप देख सकते हैं सेंटर पे तो कभी नहीं हो सकता, सेंटर पे क्यों नहीं हो सकता ये देख लो, सेंटर एक डॉट जितना भी आप बनाओगे वो डायमीटर होगा, तो एक्सट्रीमिटीज पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो हमेशा पैरेलल लाइन होगा ना, इसका कभी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये क्लियर है। और आपको ट्रबल हो सकता है लिखने में, लेकिन लिखने वाला पॉइंट बस क्या है कि अगर पोल x1 कॉमा y1 है तो पोलर होगा t इक्वल्स टू 0, बस ये आपको ध्यान रखना है। पोलर क्या है ये मैंने समझा दिया है बहुत ही अच्छे से, फिर मैंने समझा दिया है कि सेंटर क्यों नहीं हो सकता है पोल, ठीक है, इसके अलावा हर पॉइंट, दुनिया का हर पॉइंट पोल हो सकता है, लेकिन बस उसका सेंटर पोल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट का कभी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इतना क्लियर है, नोट कर लो। अब अगर आपको पोलर का इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज इस पोलर का इक्वेशन आपको मालूम है और आपको निकालना है उसके रेस्पेक्ट में एक पोल, एक यूनिक पोल होगा उसका, तो उसका इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरा सेगमेंट आता है कि आपको पोलर का इक्वेशन मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है और आपको पोल, पोल के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ओके नोट कर लो इतना, बस इतना नोट करना, ठीक है, ये सब तो मैंने समझाया है, नोट कर लिया होगा, पोल अगर x1 कॉमा y1 है तो पोलर होगा t इक्वल्स टू 0। ओके अब हेडिंग डाल लो, पोल ऑफ अ लाइन, पोल ऑफ अ लाइन, इसका इक्वेशन सपोज आपको दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आपको इस पोलर का इक्वेशन मालूम है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अब आपको पोल का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, क्या है, तो मैं मान लेता हूं इसके पोल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, इसके पोल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ओके, तो अगर x1 कॉमा y1 पोल के कोऑर्डिनेट, तो पोलर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0। मैंने एज्यूम करा पोल टू बी x1 कॉमा y1, तो पोलर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, पोलर का इक्वेशन आएगा t इक्वल्स टू 0, यानी x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये आया पोलर का इक्वेशन, करेक्ट। इक्वेशन क्या मालूम है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये दोनों चूंकि सेम लाइन के इक्वेशन है तो हम कंपेयर करते हैं कोफिशियंट, तो कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स क्या हो जाएगा, एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, तो अब एक्स वन क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एल बाय एन, वाई वन क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एम बाय एन, ठीक है, तो पोल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस ए स्क्वायर एल अपॉन एन कॉमा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एन। अब आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्कल है, तो क्या हो जाएगा पोल के कोऑर्डिनेट, माइनस ए स्क्वायर एल बाय एन कॉमा माइनस ए स्क्वायर एम बाय एन। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि अगर सर्कल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तब क्या करोगे, तब जो रिजल्ट आएगा क्या वो अच्छे से आपको याद रह पाएगा, नहीं, तो आपको प्रोसीजर याद होना चाहिए, तो इस बार सर्कल हम बदल देंगे, ठीक है, पहले इतना नोट करो, क्लियर है प्रोसीजर, हमने एज्यूम करा, तुमने मुझे क्या दिया, पोलर का इक्वेशन और पूछा कि चल चल जल्दी बता पोल कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, मैं बोला चलो एक सेकंड मैं मान लेता हूं x1 कॉमा y1 है, तो अगर x1 कॉमा y1 पोल के कोऑर्डिनेट है जो मैंने एज्यूम करे हैं, तो क्या हो जाएगा, पोलर इक्वेशन t इक्वल्स टू 0, यानी x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पर मुझे ये ख्याल आया कि आपने क्या दिया था, lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0,
दोनों सेम ही लाइन के इक्वेशन है, तो दोनों की कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, x1 आ गया y1 आ गया, तो हमने उठा के पटक दिया है ना, तो क्या आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पोल क्या आ गया, -a²l/n, -a²m/n, क्लियर है। अब सर्कल बदलते हैं, सर्कल अगर कर दें x²y²+2gx+2fy+c=2g, अब t=0 का इक्वेशन क्या होगा? ओके, सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, हमने बदल दिया, इस बार क्या करा, x²y²+2gx+2fy+c=0 जनरल इक्वेशन दे दिया। ओके, लाइन अभी भी ठीक है, आपको लाइन का इक्वेशन मालूम है, पोलर का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, lx+my+n=0। अब पोल के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, ठीक है, ना वक्त बदले ना जज्बा, बस बदला तो क्या, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, या क्या सेंटर बदल गया। ओके, तो हमने फिर से एज्यूम कर लिया, एज्यूम पोल टू बी x1, y1, आपने मुझे पोलर का इक्वेशन थमा दिया और बोला है पोल के कोऑर्डिनेट निकालो, मैंने बोला मैं एज्यूम कर लेता हूं कुछ देर के लिए x1, y1, तो इसके रेस्पेक्ट में पोलर क्या हो जाएगा, पोलर यानी t=0 क्या हो जाएगा, ये आ गया पोलर का इक्वेशन, थोड़ा सा अच्छे से कोएफिशिएंट वाइज मैच करा लेते हैं, तो x का कोएफिशिएंट हो गया x1 + g + y का कोएफिशिएंट हो गया y1 + f + gx1 + fy1 + c=0। अब x1, y1 निकालने के लिए क्या करूंगा, कंपेयर कर दोगे, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन के इक्वेशन है, दोनों के दोनों पोलर है, ठीक है, और एक ही पोल के रेस्पेक्ट, और हम जानते हैं कि एक पोल के रेस्पेक्ट में यूनिक पोलर होता है। ओके, तो कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग तो आ जाएगा x1 + g / l = y1 + f / m = n / g x1 + f y1 + c, ठीक है, ऐसे x1 निकाल लेना, x1 क्या आ जाएगा, n × l / g x1 + f y1 + c - g, ठीक है, निकाल लोगे, प्रोसीजर आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आपको लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा ना, पोलर का इक्वेशन, तो ये दिखने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये भी क्लियर है। ओके, तो दो सेगमेंट ओवर हो गए, अब बिल्कुल एक लास्ट सेगमेंट बचता है, दो डेफिनेशन आपको बताने, कंजुगेट पॉइंट्स और कंजुगेट लाइन क्या होता है, नोट कर लो इतना। ओके, तो कंजुगेट पॉइंट्स क्या होता है, सपोज एक पोल है, ठीक है, x1, y1, ये एक पोल है, ठीक है, तो इसका कोई यूनिक पोलर रहा हो, ठीक है, एक यूनिक पोलर रहा होगा, कोई भी लाइन है, ठीक है, और ये मानो किसी एक पॉइंट x2, y2 से पास कर रहा होगा। ओके, ये पोल है, इसका ये पोलर है, वो एक पॉइंट x2, y2 से पास कर रहा है, तो होता क्या है कि जो इस पॉइंट का पोलर रहेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी एक पोलर रहा होगा, ठीक ना, तो जो इसका पोलर होगा वो इससे पास, P एक पोल है, उसका पोलर पॉइंट Q से पास कर रहा है, तो जब Q पोल होगा, यानी Q के रेस्पेक्ट में Q का पोलर P से पास करेगा, और इस केस में हम P और Q को बोलेंगे कंजुगेट पॉइंट्स, P एंड Q कंजुगेट पॉइंट्स। ओके, अब देखो P के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P है, तो इस पोलर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस पोलर का इक्वेशन होगा t=0, यानी x1, y1, तो क्या हो जाएगा, x1 सर्कल, आप जनरल सर्कल भी ले सकते हो, x²y²+2gx+2fy+c=0, वहां पे दूसरा रिलेशन आएगा, ये मैंने किस सर्कल के लिए रिलेशन बताया, x²y²=a²। ओके, ठीक है, बाकी ये जो पोल पोलर कंजुगेट पॉइंट्स, ये जो मैंने बताया ना, ये किसी भी सर्कल के लिए हो सकता है, लेकिन हाँ ये रिलेशन जो है ये बस इस सर्कल के लिए आएगा, ऑरिजिन जब सेंटर होगा, ठीक, बाकी उसके लिए भी आप डिराइव कर लेना खुद से, जनरल सर्कल के लिए भी, तो t=0 क्या हो जाएगा, x x1 + y y1 = a², ये है इस पोलर का इक्वेशन, और पॉइंट q इस पोलर को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x2 x1 + y2 y1
इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगेन रिलेशन, ठीक है, क्लियर। अब कंजुगेट लाइंस देख रहे होंगे, वो भी कुछ इसी तरह का है, याद रहेगा ना कंजुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं और कंजुगेट लाइंस क्या होते हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये डेफिनेशन बस याद रखना, क्या पता कभी काम आ जाए। ओके, कंजुगेट लाइंस, ठीक है, बोल रहे हैं दो लाइन है, ठीक है, पहला लाइन है L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन है, ठीक है। तो इस पोलर का जो पोल है ना, ये पोल है, ये लाई कर रहा है किसी दूसरे पोलर पे, किसी दूसरे पोलर पे लाई कर रहा है L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये लाइन था। तो जो इसका पोल है वो किसी दूसरे लाइन पे लाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसका पोल होगा क्या, अभी हमने निकाला था माइनस ए स्क्वायर L1 अपॉन N1 कॉमा माइनस ए स्क्वायर M1 अपॉन N1, ठीक है। इसका जो पोल है ये किसी और लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसका पोल इस लाइन पे लाई करेगा, और ऐसे दो लाइन को हम कहेंगे कंजुगेट लाइंस। क्या डेफिनेशन क्लियर है, ये लाइन है L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू जीरो, इसका जो पोल है, क्योंकि हम निकालना सीखे हैं कि किसी लाइन का पोल हम कैसे निकालेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर L1 अपॉन N1 कॉमा माइनस ए स्क्वायर M1 अपॉन N1। लेकिन ये कब है, जब सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तब, ठीक है, जनरल सर्कल के लिए भी आप कर ही लोगे। तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी L2 इंटू माइनस ए स्क्वायर L1 अपॉन N1 प्लस M2 इंटू माइनस ए स्क्वायर M1 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, क्लियर। तो N1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को दोनों साइड, उधर तो जीरो ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस ए स्क्वायर L1 N2 माइनस ए स्क्वायर M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू जीरो। तो इससे क्या आ गया, ए स्क्वायर L1 N2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टू N1 N2, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड ले गए और कुछ कॉमन वॉमन लिए, तो क्या आ गया कंडीशन, कंडीशन फॉर कंजुगेट लाइंस फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या गया, ए स्क्वायर इंटू L1 N2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टू N1 N2, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, खत्म हो गया, ठीक है, बस इतना ही था पोलर पोलर में, समझ में आया ना, कोई वैसा टाइट कॉन्सेप्ट तो था नहीं, सिंपल ही। अब के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सर्कल के वो थोड़े से टफ है, बता दे रहा हूं, अब जो अगले लेक्चर से लाऊंगा मैं रेडिकल एक्सिस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये सब थोड़े से टफ है, ठीक है, नोट कर लो। बोल तो निकाल ही लोगे ना, सर्कल दिया हुआ है आपको, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर, ओके, सॉल्व करते हैं पहला। पोलर का इक्वेशन मालूम है आपको, पोल निकालना है, सर्कल क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। देखिए अभी हमें पता नहीं कि ये पोलर इंटरसेक्ट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा या नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस, ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो आना होगा वो आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं ज्यूम कर लेता हूं कि इसका पोल है x1 कॉमा y1, इसका पोल है x1 कॉमा y1, और ऑब्वियसली पोल अगर अंदर रहेगा तभी जो पोलर होगा वो बाहर आएगा, ये बस मैंने जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया, जरूरी नहीं कि यही केस हो रहा होगा, तो पोल बाहर अंदर कहीं भी हो सकता है, सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका पोल ये है,
तो अगर पोल ये है तो पोलर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो से एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स वन प्लस थ्री वाई प्लस वाई वन प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यानी एक्स इंटू एक्स वन प्लस टू प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस थ्री प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री वाई वन प्लस नाइन, ठीक है। अब ऑलरेडी हमें इक्वेशन ऑफ पोलर पता है, तो यानी ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो थ्री अपॉन तो एक्स वन प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू वाई वन प्लस थ्री अपॉन फाइव इक्वल्स टू टू एक्स वन प्लस थ्री वाई वन प्लस नाइन अपॉन 17। देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स वन और वाई वन ही ना, ओके। तो दो इक्वेशन है निकल ही जाएगा, इनफैक्ट निकल ही जाएगा ना, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन निकालो, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। किसी दो को सॉल्व करो आ जाएगा, ओके आंसर आ जाएगा शायद 1.2। देख लेते हैं सेटिस्फाई भी कर रहेगा क्या, 1 + 2/3 टू प्लस, हाँ ठीक है 1.2 आंसर है, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। मैं लिख देता हूं ऑन सॉल्विंग आंसर आ गया है, ठीक है मैंने सॉल्व कर लिया अभी, तुम अब सॉल्व करोगे इसे, ओके। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ टू लाइंस एट राइट एंगल्स आर कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। कंजुगेट लाइंस का कंडीशन क्या होता है वो अप्लाई कर देना, और दो लाइन एट राइट एंगल क्या होंगे, ठीक है। Then one of them passes through the center. यही प्रूफ करना है। तो मान लेता हूं एक लाइन है ax plus by plus c equals to 0. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन दूसरा क्या होगा, bx minus ay plus दूसरा ले लेता हूं c1 equals to 0, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, अब देख सकते हो m1 m2 equals to -1 आ जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखा रखा है कैसे एज्यूम करना है परपेंडिकुलर लाइन, और अगर पूछता पैरेलल लाइन तो हो जाता है ax plus by plus c1 equals to 0, ठीक है। ये सब क्लियर है ना, ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, ओके ये सब आना चाहिए कट-कट। तो प्रूव दैट इफ टू लाइंस एट राइट एंगल्स आर कंजुगेट, अब ये दोनों कंजुगेट हैं तो हम क्या जानते हैं कंडीशन, a स्क्वायर l1 l2 plus m1 m2 equals to n1 n2, ठीक है। L, M, N are coefficients of x, y and constant term respectively, ठीक है। तो L1 क्या है यहाँ पे, L1 equals to A, M1 equals to B, N1 equals to C, L2 equals to B, M2 equals to minus A और N2 equals to C1. पुट करो उसमें कंडीशन यही है ना, कंडीशन फॉर कंजुगेट लाइंस, कंडीशन फॉर कंजुगेट लाइंस, ठीक है यही है ना कंडीशन। तो ए स्क्वायर इंटू L1 L2 AB माइनस AB L, ये तो जीरो हो गया, इक्वल्स टू N1 N2 CC1, ठीक है CC1। अब देखो चूंकि ये जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो ये भी जीरो हो रहा होगा, तो इससे क्या समझ में आया, या तो c इक्वल्स टू जीरो है या तो c1 इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो अगर c इक्वल्स टू जीरो है यानी एक लाइन है ax plus by इक्वल्स टू जीरो, यानी ये 0.0 से पास कर रहा है, ठीक है इसके सेंटर से पास कर रहा है, 0.0 इसका सेंटर है, और अगर c1 जीरो है तो bx minus ay इक्वल्स टू जीरो है, यानी ये सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है क्योंकि 0.0 सेटिस्फाई करेगा ना, जब कॉन्स्टेंट टर्म उड़ जाएगा, ठीक है मुझे y इक्वल्स टू mx टाइप का बन जाएगा, यानी एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्लियर है। ये यहां से हम कैसे प्रूफ कर पाए, से देखो 3x plus 5y equals to 0 है, तो 0.0 तो इसे सेटिस्फाई कर लेगा ना भाई, तो यानी ये 0.0 से पास कर रहा होगा, तो द मोमेंट c 0 होगा तो ये क्या बनेगा, ax plus by equals to 0, ठीक है। या फिर c नहीं, या फिर c1 0 तो ये सेंटर से पास करेगा, और सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों से भी शेयर करना, ओके ठीक है क्लियर। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।